लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। ठुकराना भी सीखो, जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन है। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए है। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है ना, वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों को नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है
समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का दर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेंगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं है, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों का सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुड़ रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है। उस पथ पर चलना हमारा काम है, और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शकल से नहीं, बल्कि हृदय बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है
जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही सहायता करने का भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। दुख तो तब होता है जब हमें ये एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है, मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का। इसे खोना नहीं है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है, तूफान भी जरूरी है। जिंदगी में आना तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है।
मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। दो अक्षर का होता है लक, ढाई अक्षर का होता है वक्त, और तीन अक्षर का होता है नसीब, और साढ़े तीन अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उनकी इस सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं है और शब्द से तीखा कोई बांड नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वो हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं। वक्त नहीं, कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। ये सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखार रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता।
आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे दो कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों, लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10,00,000 सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना, ये विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जड़ा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठ के पानी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मायने रखता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं।